नमस्कार, स्वागत है हमारी रेसिपी पे। देखिए आज मैं बनाई हूँ जलेबी। ये सिर्फ मैंने पानी में आटा को गूंद के बनाया है। ये बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी जलेबी बनाया है, तो आप भी इस तरह बनाएं और मेरे रेसिपी को जरूर ट्राई करें। अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलें। तो कल मैंने इसको भिगवाया था, तो अभी इसको देखते हैं ये कैसा हो गया है। और ये देखिए, बिल्कुल इसमें जो खमीर आ गया है और ये बिल्कुल भीग गया है ये आटा जो है। अभी हम इसमें और मिक्स करेंगे प्लेन फ्लावर, क्योंकि इसमें और डालेंगे तभी हमारे जो जलेबी है वो अच्छे बनते हैं। और हम थोड़ा सा इसमें मिक्स करेंगे। दो करछी मैंने इसमें डाल दिया है। अभी हम इसको फेटेंगे, इसमें अच्छे से इसको मिक्स करना है। इसमें बिल्कुल ही आपके जो गुठली है वो नहीं रहना चाहिए, आपको किसी चीज़ की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती। इस तरह जो जलेबी बनाते हैं तो सचमुच बहुत ही अच्छे बनते हैं। इसको हम ऐसा फेटेंगे तो बिल्कुल अच्छे से इसको, इसका गांठ जो है ना बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। अगर गांठे गांठे होए तो जलेबी जो है बिल्कुल अच्छी नहीं बनेगी। ये देखिए दी, मैंने अच्छे से इसको आटा डालने के बाद अच्छे से इसको फेंट लिया है। इस तरह का बैटर होना चाहिए। जब भी हम जलेबी बनाते हैं तो इसमें ना बेकिंग पाउडर की ज़रूरत है, ना कोई चीज़ की इसमें ज़रूरत है, ना सोडा वोड़ा, ना दही लोग डाल के बनाते हैं। इसमें कोई चीज़ आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से मैंने इसको फेंट लिया है। जितना आप फेंटेंगे उतने अच्छे जलेबी आपके बनते हैं। ये देखिए, अभी हम दूसरी तरफ बनाएंगे चाशनी। इसके लिए अभी इसको रख देते हैं साइड पे। तो चाशनी बनाने के लिए मैंने एक लिया है बर्तन, और मैंने हाफ केजी कम से कम लिया है शुगर। हाफ केजी से थोड़ा, 250 ग्राम हमारा फ्लावर है, तो हाफ केजी शुगर मैंने लिया है। डाल देंगे इसमें, क्योंकि जितना ज़्यादा हम शुगर का जो डूबना चाहिए तभी हमारे जो जलेबी है वो अच्छे बनते हैं। अभी हम डालेंगे इसमें हाफ कटोरी पानी। अभी इसको हमने अच्छे से हिला के इसको पकाना है, जब तक एक तार का, एक तार वाली चाशनी नहीं बनती। अभी हमें इसको हिला हिला के अच्छे से इसको पकाना है शुगर को। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नींबू काट के, क्योंकि पता है क्या है, नींबू हम डालेंगे तो जो चाशनी है वो जमती नहीं है। और जलेबी के लिए नींबू डालना बिल्कुल ज़रूरी है। नींबू को इस तरह काट के डाल दें इसमें। और इसमें हम फल डालेंगे थोड़ा सा कलर, क्योंकि कलर डालेंगे तो अच्छा सा जो जलेबी में अच्छा कलर आएगा, क्योंकि इसी में हम डालेंगे कलर इस तरह। और इसको हम अभी उबालेंगे अच्छे से, ये जब तक एक चार वाली नहीं बनती तब तक हमें इसको पकाना है। ये देखिए, चीनी भी उबाल आ चुका है। अभी हम ये जो हमारा जो नींबू डाला था हमने, इसको हम निकाल देंगे। और कितना गंदा लग रहा है जो है शुगर। कभी कभी शुगर हमारा गंदा होता है, तो इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा डालेंगे दूध। दूध डालने से जो भी चीनी में गंदगी है वो सब ऊपर आ जाता है, और ये जो चीनी जो है बिल्कुल साफ होता है। और 2-3 मिनट हम और पकाएंगे इसको। ऊपर जो गंदगी है ये हम निकाल देंगे। देखिए,
अभी एक तार वाली जो है शुगर कैसे बन के रेडी हो गया, तो जब आपने ऐसे करना है तो ये देखिए थोड़ा सा हाथ में चिपक जाए तो एक तार वाली जो है ये बन के जो है बिल्कुल रेडी हो जाती है। ये देखिए रेडी होने वाली है, 2 मिनट और पका के गैस को ऑफ कर देंगे। गैस को मैंने बंद कर दिया है, अभी इसको रखेंगे साइड पे। अभी हम बनाएंगे जलेबी। जलेबी बनाने के लिए आपने ऐसे कोई भी लेना है चौड़ा वाला बर्तन, इसमें जलेबी जो है अच्छे बनते हैं और ज़्यादा बनते हैं। मैंने ये फ्राई पैन लिया है, अभी मैं डालूंगी इसमें ऑयल। अभी हम इसको गर्म होने देते हैं, उसके बाद हम इसमें जलेबी डालेंगे। कोई भी कपड़ा ले सकते हैं या डबल सिला हुआ कपड़ा भी लोग यूज करते हैं, और आप कोई भी चीज़ इसमें यूज कर सकते हैं। मैंने लिया है ये वाला बोतल, ये बोतल है, इसी में हम बनाएंगे जलेबी। ये बहुत इजी तरीका से ये बनता है, इसमें बनाना बहुत ही इजी है। अभी मैं इसमें इसको बैटर को डालूंगी, अभी ये डालेंगे इसी में। इसको मैं भर देती हूँ, इसको अच्छे से साफ करेंगे बाहर से, और इसमें लगाएंगे ढक्कन। ये देखिए हो गया ना जलेबी के लिए बिल्कुल रेडी। तेल भी शायद हमारा गर्म हो चुका है, अभी एक हम डाल के इसमें देख लेते हैं। बिल्कुल तेल जो है ना गर्म हो गया है, ये देखिए दो भी तो दूसरा भी डालेंगे। जब आपको क्रिस्पी खाना है थोड़ा सा इसको आपने पकाना है, अगर सॉफ्ट चाहिए तो इसको जल्दी आपने निकालना है। ये देखिए मैंने इसको पलट दिया है, मैं थोड़ा सा देख रही थी तेल हमारा गर्म है कि नहीं, तेल अच्छे से गर्म हो गया है, अभी हम इसको निकालेंगे। ये क्रिस्पी बन गए फूल के ना, कितने अच्छे जलेबी जो है ना बन के रेडी हो गए। हमने कुछ भी इसमें डाला नहीं है, सिर्फ पानी के सिवाय कुछ हमने इसमें यूज नहीं किया है। अभी हम इसमें डाल चाशनी में डुबाएंगे इसको। ऐसे इसको डुबोएंगे, और सारे जलेबी इसी तरह हम बनाएंगे। देखिए कितने अच्छे से फूल रहे हैं ना, ये देखिए, और कितने मोटे मोटे इतने अच्छे बन गए हैं। आपको यही सीक्रेट है कि आटा जो है अच्छे से भीगना चाहिए इसका, इसको इसमें और कुछ भी आपको डालने की इसमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है सिवाय पानी के। इतने अच्छे इतने क्रिस्पी जलेबी बनते हैं ना सचमुच, ये आप ज़रूर बना के देखो तो फिर मुझे बताओ। आपको जलेबी क्रिस्पी पसंद है तो थोड़ा सा इसको पका के ही निकालो अच्छे से, अगर आपको सॉफ्ट पसंद है तो थोड़ा इसको जल्दी निकालो। तो मेरे बच्चे को थोड़ा क्रिस्पी पसंद है तो मैं इसको थोड़ा सा पकाऊंगी, और इसको मैं उधर डाल दूंगी चाशनी में। सारे इस तरह हमने इसमें डुबोना है,
अच्छे से, ताकि अंदर तक जो है ना शुगर अच्छे से मुंह में घुल जाए। जो बने है ना इसको मैं एक बर्तन में निकाल देती हूँ और रख देती हूँ साइड में, इनको मैं डुबो देती हूँ नहीं। थोड़ी देर आपने इसी के अंदर रख देना है। ये देखिए कितने अच्छे फूल रहे हैं और बहुत ही सुंदर बन रहे हैं और बहुत ही नाइस बन रहे हैं। देखो जैसे आपको मार्केट में मिल जाते हैं उससे भी अच्छे घर में बन जाते हैं, कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए सारे जलेबी जो है बन गए हैं, अंदर से बहुत जूसी और बहुत ही फूले हैं, बहुत ही टेस्टी है। तो आप भी इस तरह बनाओ और मेरे रेसिपी को जरूर ट्राई करो। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो।